योगी जी सुबह से एक बैंगन भी बिक जाता तो दिल को सुकून मिल जाता, लेकिन एक बैंगन भी कोई खरीदने वाला नहीं आया है। पता नहीं लोगों ने बैंगन खाना बंद कर दिए। राहुल तुम्हारे तो बैंगन फिर भी अच्छे नहीं है, मेरे तो इतने बढ़िया बढ़िया बैंगन है लेकिन फिर भी कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। राहुल तुम सही कह रहे हो, कई लोगों ने बैंगन खाना तो बंद नहीं कर दिया। मुझे लगता है बैंगन का काम छोड़कर परमल बेचना शुरू करूंगा अब मैं, जैसे अखिलेश परमल बेच रहा है। अरे योगी जी परमल भी कहाँ बिक रहे हैं, सुबह से बैठा पड़ा हूँ, एक किलो परमल नहीं बिके। अरे योगी जी बोते को मोदी जी आ रहे हैं आपकी तरफ, आ रहे हैं आपकी तरफ। अरे ये तो राहुल की तरफ बढ़ गए। राहुल ये बैंगन क्या रेट बेच रहे हो, बैंगन खाने का मन है आज, एक किलो बैंगन खरीद कर ले जाऊंगा। मोदी जी सुबह से एक बैंगन तो बिका नहीं है, तुम मेरे पहले ग्राहक हो, जिस रेट में भी ले जाना चाहते हो ले जाओ बैंगन को। तो राहुल फ्री में दे दो, एक किलो बैंगन फ्री में दे दो। अरे मोदी जी मैंने ये कहा किसी रेट में भी ले जाना चाहते हो ले जाओ, फ्री में थोड़ी बोला। लेकिन राहुल एक बात बताना मुझे, साफ साफ बताना, तुम्हारे बैंगन काले बहुत हैं, जबकि बराबर में योगी जी बिल्कुल बैंगनी कलर के बैंगन बेच रहे हैं। अरे मोदी जी रंग पर मत जाओ, मैंने अपने बैंगन की खेती में उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था इसीलिए रंग ज्यादा काला हो गया, लेकिन जितना ज्यादा बैंगन काला होता है उतना ही अच्छा खाने में होता है। मोदी जी इस राहुल की बातों में मत आओ, बैंगन तो यही बैंगनी वाला अच्छा है जो मैं बेच रहा हूँ, देखो कितना बढ़िया बैंगन है। लेकिन योगी जी बैंगन तो तुम्हारे अच्छे हैं, लेकिन हमेशा मैं सब्जी राहुल की दुकान से खरीदता हूँ। अरे मोदी जी कभी कभी परमल भी ले लिया करो, हम भी देखो परमल बेच रहे हैं। अखिलेश परमल की सब्जी खाने में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती है। हाँ अगर जिस दिन भी परमल खाने का मन होगा तो तुम्हारी दुकान पर चला आऊंगा, मुझे मालूम है तुमसे अच्छा परमल इस एरिए में कोई नहीं बेचता है। लेकिन बड़ी जान आफत में समझ में नहीं आ रहा है किसका बैंगन लूं, योगी जी का बैंगन लूं या राहुल का बैंगन खरीदूं। योगी जी का बैंगन थोड़ा अच्छा है लेकिन राहुल से मैं परमानेंट सब्जी खरीदता हूं, इसीलिए वो दाम भी कम लगाता है। ऐसा करता हूं बैंगन आज खाऊंगा ही नहीं, अखिलेश परमल दे दो, आज परमल ही खा लेता हूं तुम्हारी दुकान से, दे दो आधा किलो परमल। और बैलों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी ऑटो रिक्शा को हल्के हल्के चलाओ, हल्के हल्के चलाओ। एक तो आपने मुझे अपने ऑटो रिक्शा के ऊपर बैठा दिया है, अरे मैं अकेला ऊपर बैठा होता कोई चिंता नहीं है, मेरे साथ मेरे घर का टेलीविजन यानी के टीवी है जिसे मैं सही कराने के लिए शहर ले जा रहा हूँ जो खराब हो गया है, इसीलिए ऑटो रिक्शा को हल्के हल्के चलाओ नहीं तो मेरा टेलीविजन टूट जाएगा। देखो अखिलेश पहले मेरी एक बात साफ साफ सुनो, तुम गांव से शहर जाने के लिए अपने आप का ही भाड़ा दे रहे हो, टीवी का भाड़ा नहीं दे रहे हो मुझे, तो तुम्हारा टीवी टूटे या सही रहे मुझे कोई चिंता नहीं है, ऑटो रिक्शा को तो मैं इसी तरीके से चलाऊंगा, अपनी टीवी की रक्षा अपने आप करो। मोदी जी इस तरीके की बातें आपको शोभा नहीं देती, मुझे बहुत बुरा लगा आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। अरे अखिलेश बेचारे का एक तो टेलीविजन खराब है, वो इसे रिपेयर कराने के लिए गांव से शहर ले जा रहा है, और आप कह रहे हो कि टीवी टूटे या नहीं टूटे मुझे कोई लेना देना नहीं। अरे भाई अगर ऑटो रिक्शा को थोड़ा हल्का चला लोगे तो क्या हो जाएगा, हम तो तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, तुमने हमें ऑटो रिक्शा की छत के ऊपर बैठा दिया, अपने ऑटो रिक्शा को ओवरलोड करके चल रहे हो। मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती, आप अपने ऑटो रिक्शा में इतनी ज्यादा सवारी बैठा क्यों लेती हो, अगर आज के बाद इतनी सवारी आप अपने ऑटो रिक्शा में बैठा लोगे मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा शहर, और आप अपने ऑटो रिक्शा की स्पीड को कम क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। योगी जी सामने देखो राहुल शहर जाने के लिए खड़ा हुआ है, इसे बैठा लेता हूँ अपने ऑटो रिक्शा में, एक सवारी की जगह है अभी ऊपर, एक सवारी ऊपर और बैठ सकती है। अरे मोदी जी आज तो आपका ऑटो रिक्शा ओवरलोड है, मैं कहाँ पर बैठूंगा। राहुल मैं तो तुम्हें बैठा लूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम मेरे ऑटो रिक्शा पे रेगुलर जाती हो शहर, तो तुम्हें तो सबसे पहले ले जाऊंगा मैं। अखिलेश अपनी टीवी को जरा अपने पैरों के ऊपर रखो, और टीवी की जो जगह खाली होगी राहुल तुम वहां जाकर बैठ जाओ। मोदी जी यह बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है, अखिलेश बेचारा अपने पैरों के ऊपर अपने इस टेलीविजन को कैसे रोक पाएगा, एक तो आप इतनी तेज ऑटो रिक्शा चला रहे हो, झटके में उसके हाथ से ये टीवी छूट कर गिर गई रोड पर तो फूट जाएगी। मोदी जी एक बात बताओ, पहले से आपका ऑटो रिक्शा इतना ओवरलोड है और एक सवारी और बैठा रहे हो, अगर आप एक सवारी और बैठाओगे तो हम सब लोग एक साथ उतर जाएंगे। चलो राहुल कोई बात नहीं, पीछे केजरीवाल जी का ऑटो रिक्शा बिल्कुल खाली आ रहा है, उसी पर बैठ के आ जाना, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल इन केले के लट्ठू को सही तरीके से बांध दिया था, ये चार केले के लट्ठे आपस में बंधे हुए हैं जिस पर अपना लोग बाढ़ को पार कर रहे हैं, अगर इन केले के लट्ठों की बंधी हुई रस्सी खुल गई तो अपना सब लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। हाँ मोदी जी पैसे तो घर से सारा सामान बह गया लेकिन जितनी भी रस्सी मिल सकी
उससे मैंने इस केले के तनों को बांध दिया, लेकिन मोदी जी इतनी भयंकर बाढ़ आज तक नहीं देखी मैंने। पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पूरे गांव में पानी पानी है। सोनिया जी क्या करें, कौन से गांव की तरफ चलें? अपना गांव इस यमुना नदी के किनारे था, यमुना नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि चारों ही तरफ पानी पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो सोनिया जी किधर लेके चलूं इस केले की नाव को? मोदी जी अब तो चारों तरफ पानी पानी है, चले रहो जहाँ पर किनारा मिल जाएगा उसी गाँव में ठहर जाएंगे। लेकिन मोदी जी संजा होने वाली है, थोड़ा सा नाव को तेज चलाओ नहीं तो रात हो जाएगी। अखिलेश तुम्हारे पास जो मटका है इसमें पीने का पानी कितना बचा हुआ है? आज रात गुजर जाएगी, इतना पानी है पीने के लिए? मोदी जी कहा ज्यादा पानी बचा है, आधा मटका पानी बचा है और इस मटके को मैं पकड़ के ही बैठा हूँ, कहीं ये मटका मेरे हाथ से छूट गया तो पीने का पानी सारा का सारा गिर जाएगा। और वैसे भी अपने पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं, सिर्फ ये पीने के लिए पानी ही है। चलो अखिलेश इस मटके में से एक घूंट पानी पी लूं, उसके बाद नाव तेज चलाऊंगा। और राहुल तुम आराम से पीछे खड़े पड़े हो, थोड़ी देर नाव तुम भी चलवा लो। इस केले से बनी हुई नाव को चलाते चलाते मेरे हाथ थक गए। लेकिन ये लालू जी और नीतीश कुमार जी कैसे चुप हैं? अरे मोदी जी चुप क्या है, ये नीतीश कुमार जी और लालू जी तो बोल ही नहीं रहे क्योंकि बाढ़ का इतना ज्यादा पानी देखकर ये थोड़े से डरे हुए हैं। क्योंकि यमुना नदी में आज तक इतनी भयंकर बाढ़ आई नहीं है, पिछले 4-5 दशक का रिकॉर्ड टूटा है। राहुल मैं तो इस गांव में दोबारा लौट कर आऊंगा नहीं, क्योंकि यमुना नदी का इतना विकराल रूप मैंने आज तक नहीं देखा। और अपना गांव यमुना नदी के किनारे है, मैं तो दूर कहीं बसूंगा जाकर पहाड़ पर। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।